अभिनेता हैं जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, ये लोग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं। जो गुटखा जो प्रतिबंधित गुटखा प्रोडक्ट है तंबाकू युक्त, उसका प्रचार करना जो है गैर कानूनी है, उसको ये सब लोग प्रचार कर रहे थे। तो इसको लेकर के मैंने एक जनहित याचिका 22/9/2022 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दायर की थी, जिसको हाईकोर्ट ने मेरी याचिका को स्वीकार करते हुए भारत सरकार को दो डायरेक्शन दिए थे कि जो अभिनेता हैं जिनको पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन को दिया गया है, पद्मश्री अक्षय कुमार को दिया गया है और पद्म श्री पद्म भूषण शाहरुख खान को दिया गया है, इसी तरीके से सैफ अली खान को भी दिया गया है और अक्षय कुमार को भी दिया गया है। तो मेरी PIL में ये प्रेयर थी कि ये लोग गैरकानूनी काम करते हैं, तो इनको जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो जब्त किए जाए और दोषी गुटखा कंपनियों के खिलाफ और इनके खिलाफ जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने पर 50 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, उन पर जुर्माना लगाया गया। तो इन सब बातों को हाईकोर्ट ने मानते हुए भारत सरकार को दो डायरेक्शन दिए कि पद्म अवार्ड जब्त करने के लिए इस पर गाइडलाइन भारत सरकार फ्रेम करे और चीफ कमिश्नर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन गुटखा कंपनियों पे और जो ये एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो इंडोर्सर हैं, अभिनेता गण हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये पिटीशन जो है, जो रिप्रेजेंटेशन दाखिल होगा उस पर जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन मैंने फाइल किया 15/10/2022 को, एक रिप्रेजेंटेशन मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार को दिया कि इनके पद्म अवार्ड जब्त किए जाएं, और दूसरी एप्लीकेशन मैंने दी चीफ कमिश्नर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन लोगों ने मेरे रिप्रेजेंटेशन पे जब 10 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैंने भारत सरकार के दो अधिकारियों के खिलाफ, गृह सचिव, गृह मंत्रालय और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ कमिश्नर के खिलाफ बाई में मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की। माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस जारी की और कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा कि अब तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। इस पर होम मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने एक आर्डर पास किया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी आर्डर पास किया कि गुटखा कंपनियों को हमने नोटिस जारी कर दी है और BG लेवल के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं कि ये गैरकानूनी विज्ञापन है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है या नहीं है। तो मैंने हाईकोर्ट में ये बात उठाई, जब आप गुटखा कंपनियों को नोटिस जारी कर रहे हैं तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, इनको क्यों नहीं नोटिस जारी की गई। तो उस चीज़ को कोर्ट के सामने जब मैंने रखा तो फिर भारत सरकार को मजबूरन शाहरुख खान, अमिताभ, क्या नाम, अजय देवगन और अक्षय कुमार को नोटिस जारी की है। और अमिताभ बच्चन ने PIL फाइल करते ही अपना कॉन्ट्रैक्ट विदा कर लिया था, तो उन्होंने लीगल नोटिस कमला पसंद को भेजी है और ये कहा है कि जब हमने उसने कॉन्ट्रैक्ट विदा कर लिया तो अब आप इसको एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अमिताभ बच्चन के विदा करते ही अब आपने देखा होगा कि कपिल देव, सहवाग और गावस्कर वगैरह कमला पसंद का प्रचार कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जनता आपको सराखों पे बैठा है। अमिताभ बच्चन जब छोटा बच्चा होता तो कहे कोई बच्चा छूट न जाए, सबको कोई पोलियोग्राफ पिलाओ, और जब बड़ा 20 साल का हो जाए तो उसको कमला पसंद खिलाओ। तो आप सेलिब्रिटी हैं, हम जनता के लोग हैं, हम आपको सराखों पे बैठाए हैं और आप जो भी है पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जहर का भी विज्ञापन कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये नोटिस हाईकोर्ट ने जारी की है।